बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। इसी बीच अंबा प्रसाद ने बीजेपी पर अब बड़ा आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी का ऑफर ठुकराया, इसलिए यह छापेमारी की जा रही है। अंबा ने अपने ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि एनटीपीसी और अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उन्हें हजारीबाग और चतरा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, इसलिए उनके आवास पर ईडी छापेमारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ने का दबाव उन पर बना रहे थे, यह सब कुछ राजनीतिक विद्वेष के तहत हो रहा है। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, या घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में, कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी। मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विज़न है या जो मेरा राज्य को आगे पहुँचाने का जो विज़न से मैं आगे निकली हूँ, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पर चलती रहूँगी। जितनी भी रुकावटें आएँ, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का ज़रूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज़ जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं, कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए हैं। वहीं दूसरी ओर अंबा प्रसाद के बयान पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि अंबा प्रसाद ऐसे तथ्यहीन बयान देकर अपने ऊपर भ्रष्टाचार के लगे आरोप से ध्यान हटाना चाहती हैं। प्रतुल सहदेव ने कहा कि आखिर यह उसी दल की सदस्य हैं जिसके झारखंड के एक सांसद के पास से 350 करोड़ नकद बरामद हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसियों की दबिश का सामना कर रही कांग्रेस की माननीय विधायक अंबा प्रसाद गलत बयानी कर रही है। भाई, हमारा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी संघर्ष रहा है, तो उन पर जो संगीन आरोप लगे हैं, एजेंसियों के छापे पड़े हैं, और उनका यह कहना कि भाजपा उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती थी, ये बिल्कुल तथ्यहीन बात है। हमारा लोकसभा का उम्मीदवार डिक्लेयर्ड है और वो ऑलरेडी मनीष जायसवाल जी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो अपनी गलत बयानी के लिए जाने ही जाते हैं ना, ऐसे भी आजकल कांग्रेसियों को कोई सीरियसली नहीं लेता। और अंबा प्रसाद सिर्फ ये बयान अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे, एजेंसियों की दबिश हुई, उससे ध्यान हटाने के लिए दे रही हैं। लेकिन इस देश की जनता जानती है कि आखिर ये उसी पार्टी की एमएलए है जिसके एक सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश, वो भी झारखंड के सांसद के यहाँ से बरामद हुए थे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की जा रही है। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।